हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्यूनोलॉजी लेक्चर सीरीज में हमने वैक्सीन्स के बारे में कई बार कई वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, जैसे कि सब यूनिट वैक्सीन के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है, एटीन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में हमने बात किया हुआ है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स के बारे में बात किया हुआ है। तो आज उसी सीरीज में हम लोग डीएनए वैक्सीन्स के बारे में बात करने आए हैं। डीएनए वैक्सीन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंट और उससे जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कैंसर बायोलॉजी में काफ़ी कुछ डीएनए वैक्सीन्स के ऊपर काम किया जा रहा है और इन फ्यूचर हम लोग देख पाएंगे कि बहुत सारे डीएनए वैक्सीन्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा और उनको एज कैंसर प्रिवेंशन दिया जाएगा। तो इसी तरीके की बहुत सारी बातें, डीएनए वैक्सीन्स का प्रिंसिपल क्या होता है, डीएनए वैक्सीन्स को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, डीएनए वैक्सीन्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इन सारी की सारी बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, ये एक वायल में से अपना एक सीरिंज भर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डीएनए की एक फोटोग्राफ है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे आने वाले समय में डीएनए वैक्सीन्स का कितना जबरदस्त प्रभाव होगा हम लोगों के जीवन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीएनए वैक्सीन्स किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है या डीएनए वैक्सीन्स का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो डीएनए वैक्सीन्स जो है वो बेस्ड ऑन प्लाज्मिड डीएनए इनकोडिंग एंटीजेनिक प्रोटीन। तो सबसे पहला शब्द यहां पे है प्लाज्मिड डीएनए। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, प्लाज्मिड का सोर्स होता है बैक्टीरिया। अब जैसे कि एक बैक्टीरियल ये डीएनए है, प्लाज्मिड है, अब इस प्लाज्मिड के अंदर हम अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जो हमारे इंटरेस्ट का है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज दिस, दिस इज माय प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है आप लोगों को पता होगा, प्लाज्मिड इज नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरिया। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल किसका होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरिया का होता है। अब इस बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल को हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें एंटीजेनिक प्रोटीन अटैच कर दिए। सर एंटीजेनिक प्रोटीन क्यों अटैच कर रहे हैं, बिकॉज वैक्सीन का क्या काम होता है, वैक्सीन का तो काम यही होता है ना कि किसी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को सेंसिटाइज कर लेना और फिर ताकि जब इन फ्यूचर वो एंटीजन कभी दोबारा आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करे तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से रेडी हो और उसको किल कर दे, यही तो काम होता है वैक्सीन का। तो इन द सेम वे हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्लाज्मिड डीएनए को लिया, प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पे एज अ वेक्टर काम करेगा और उसके बाद उसके अंदर हमने जो एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, या एंटीजेनिक प्रोटीन को इधर अटैच कर दिया, एंटीजेनिक जीन को अटैच कर दिया और उसके बाद उसको इंजेक्ट कर देते हैं जिस भी बॉडी के अंदर आपको रिस्पॉन्स देखना है उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब सवाल दिमाग में आपके होगा कि सर डायरेक्टली क्यों नहीं आप जो प्रोटीन है या जो जीन है उसको डायरेक्टली किसी की बॉडी के अंदर क्यों नहीं इंजेक्ट कर दे रहे। अगर आप डीएनए को डायरेक्टली किसी बॉडी के अंदर या किसी सेल के अंदर इंजेक्ट करोगे विदाउट एनी वेक्टर तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस बॉडी के जो न्यूक्लियसेस होंगे वो आकर के इसको क्लीव कर देंगे, यानी कि उस डीएनए को क्लीव कर देंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो एंटीजेनिक डीएनए है या एंटीजेनिक जीन है उसको अगर डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंसर्ट करोगे तो व्हाट विल हैपन, जो उस ऑर्गेनिज्म के जो न्यूक्लियसेस होंगे वो जा करके उसको डायरेक्टली क्लीव कर देंगे। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा जो जीन है या हमारा जो प्रोटीन है वो बकायदा मौजूद रहे, इसी वजह से उसको सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे उसको वेक्टर के अंदर इंसर्ट करके बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया क्या हो रहा होगा, प्लाज्मिड डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द मसल सेल्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो क्या हुआ, जो रेसिपिएंट के जो मसल सेल्स हैं, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ गई यहाँ पे कि सर ये जो मसल सेल्स हैं इस तरीके की, सपोज करिए कि ये मसल सेल्स हैं ऐसे करके, ये इस तरीके की मसल सेल्स हैं, तो इन मसल सेल्स में ही आप क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं।
ये इंजेक्शन भरा और उसके बाद सीधे उसको एडमिनिस्टर कर दिया या इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, मसल सेल्स के अंदर। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए कि सर सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स के अंदर ही क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने किसी और स्किन सेल्स या किसी और कार्डियक सेल्स या न्यूरॉन्स उनके अंदर क्यों नहीं इंजेक्ट किया। तो एक सीधा सा इसका जवाब है, क्योंकि मसल सेल्स के पास कुछ बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण मसल सेल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स बन जाते हैं जब आप डीएनए वैक्सीन की बात कर रहे होते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि मसल सेल्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंटली अपटेक करते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करते हैं किस चीज को, ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन है उसको अपने सरफेस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। क्यों एक्सप्रेस करवाना जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली जो टी सेल्स है या जो बी सेल्स है वो आकर के मसल सेल्स को चेक करेंगे और अगर इनके ऊपर किसी भी तरीके का एबनॉर्मल प्रोटीन नजर आएगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पहला पॉइंट एफिशिएंट अपटेक एंड एक्सप्रेशन, ये मसल सेल्स के साथ एक अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत आराम से ये अपटेक कर लेता है इस जेनेटिक मटेरियल को और उसके बाद उसको अपने सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस कर देता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, देखा यह गया है कि जो ये फॉरेन मटेरियल आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं अगर वो मसल सेल्स के अंदर आप डालते हैं तो मसल सेल्स के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल वो स्टेबल रहता है, यानी कि उसके ब्रेक डाउन होने की संभावना कम देखी गई है। तो सेकंड कॉज हो गया, सेकंड रीजन हो गया स्टेबिलिटी। थर्ड रीजन हो गया स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। देखा जाता है कि मसल सेल्स के अंदर अगर आप कोई चीज इंजेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट बढ़िया या स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है। तो तीसरा रीजन हो गया स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स और नेक्स्ट रीजन हो गया डिपोट इफेक्ट। अब डिपोट का मतलब क्या होता है या डिपो का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बस की डिपोज होती हैं। अब बस डिपो में क्या होता है, बहुत सारी बसेस इकट्ठा होती हैं और ग्रेजुअली वो अलग अलग जगहों पर भेजी जाती हैं। तो इन द सेम वे यहां पर डिपो इफेक्ट का मतलब यही है कि ग्रेजुअली धीमे धीमे करके मसल सेल्स जो हैं वो अपने सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स शो करते हैं और लंबे समय तक बॉडी इम्यून बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो लंबे समय तक एक्टिवेटेड कंडीशन में रहता है। अगर तुरंत थोड़ी देर के लिए इम्यूनिटी रह गई और उसके बाद खत्म हो गई तो वो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। तो ये डिपो इफेक्ट यही कहता है कि लंबे समय तक इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेटेड रहता है। लास्ट हो गया सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब यहां पे क्या हो गया, आप इजीली किसी भी मसल सेल के अंदर, अब आपके हाथ वाथ में मसल्स वगैरह हैं, आप इजीली मसल सेल्स को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हो गए क्यों मसल सेल्स को चूज किया जाता है डीएनए वैक्सीन्स के लिए। तो उम्मीद है कि पहला पेज आपके पहला जो ये स्लाइड है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो देखिए नेक्स्ट है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि क्या हुआ, आपने जो वेक्टर था यानी कि प्लाज्मिड था उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, एंटीजेनिक प्रोटीन जो बनाता है, उसके बाद उसको मसल सेल्स के अंदर इंजेक्ट किया। मसल सेल्स क्या करेंगे, उसको अपटेक करेंगे। तो होस्ट सेल्स में कौन से सेल्स, मसल सेल्स, उसको अपटेक करेंगे, टेक अप द डीएनए, यही चीज यहां पे लिखी गई है, डीएनए को अपटेक करेंगे। और डीएनए को अपटेक करने के बाद क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर वो प्रोटीन आ जाएगा, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलने लगेगा। तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जो अब सेल्स के सरफेस के ऊपर दिखाई देने लग गया है। अब आते हैं सिंस एंटीजन इज इनसाइड द सेल, अब सेल के अंदर एंटीजन है, क्यों, क्योंकि ये मसल सेल्स था, आपने देखा दिस वॉज योर मसल सेल। अब इस मसल सेल के अंदर आपने इंजेक्शन दे रखा है, इस मसल सेल के अंदर आपने इंजेक्शन दे रखा है, तो दैट मींस ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर हमारा एंटीजेनिक प्रोटीन मौजूद है, राइट। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता भी रखा है कि दो तरीके के पाथवेज होते हैं, एक तो एंडोजीनियस पाथवे होता है और एक एक्सोजीनियस पाथवे होता है। एंडोजीनियस पाथवे मेनली वायरसेस वगैरह के लिए और ऐसी चीजों के लिए जो सेल के अंदर पाई जाती है उनके अगेंस्ट काम करता है या उनको बेसिकली आपके बी सेल्स और टी सेल्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक्सोजीनियस, तो एक्सोजीनियस जो है वो बैक्टीरिया के लिए होता है। अब क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे सेल के अंदर आपका प्रोटीन पहुंच चुका है तो इसीलिए यहां पे जो पाथवे एक्टिवेट होगा वो होगा एंडोजीनियस पाथवे।
अब इस एंडोजीनियस पाथवे के थ्रू आपकी एमएचसी क्लास 1 के ऊपर क्या किया जाएगा, ये जो प्रोटीन है उसको शो कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, तो जैसे कि सपोज करिए ये मसल सेल है, इस मसल सेल के सरफेस के ऊपर मान लीजिए ये क्या है, ये एमएचसी टाइप 1 है। अब इस एमएचसी टाइप 1 के सरफेस के ऊपर क्या शो कर दिया जाएगा, आपका जो प्रोटीन एंटीजेनिक जो प्रोटीन था वो इस तरीके से शो कर दिया जाएगा। अब आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि एमएचसी टाइप 1 जो होता है वो किसको एक्टिवेट करवाता है या किसके साथ इंटरैक्ट करता है, वो इंटरैक्ट करता है टी सी लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी कि टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स के साथ एक्टिवेट करता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, या इसको टी सी सेल्स भी बोलते हैं, टी सी सेल्स। तो होगा क्या, यहाँ पे आकर के टी सी सेल्स आएंगे और इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे एमएचसी टाइप 1 के साथ, और ये जो प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, फॉरेन प्रोटीन या एंटीजेनिक प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, उसके साथ आकर के इंटरैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि टीसी सेल किस तरीके से एक्टिवेट होंगे। दूसरी बात एक देखिए कि एंटीजन इनसाइड द सेल हो गया, अब इनसाइड द सेल एंटीजन कैन रिमेन इन टू फॉर्म्स। ये तो आपने देख लिया एंडोजेनस पाथवे किस तरीके से एक्टिवेट होता है। अब अगर सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो सेल के अंदर दो तरीके से आपका जो डीएनए आपने इंसर्ट किया था वो रह सकता है। पहला तरीका क्या है, डीएनए एपिजोमल फॉर्म में रहे। एपिजोमल फॉर्म का मतलब हो सकता है जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के साथ, पहला तरीका यहां पे देख लीजिए, इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए। यानी कि एक तरीका ये हो सकता है कि जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल आपने पीछे मैंने दिखाया था जो इंजेक्ट किया, हो सकता है वो होस्ट के यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने इंजेक्ट किया था उसके क्रोमोसोम्स के साथ जाकर के अटैच हो जाए। तो एक तो ये हो सकता है, तो ये जो सेकंड वाला है वो हो गया इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए के साथ जाकर के इंटीग्रेट हो गया, पहला ये हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए कि होस्ट का जेनेटिक मटेरियल ये है, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल ये है, अब इस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ जाकर के आपका जो प्रोटीन था, जो एंटीजेनिक जेनेटिक मटेरियल जो आपने एंट्री दी थी उसको, तो एंटीजेनिक जेनेटिक मटेरियल यहां पे आकर के इंसर्ट हो गया होस्ट के मटेरियल के साथ। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये अलग ही रहे, यानी कि होस्ट के डीएनए के साथ अटैच ना हो, ये सेपरेट रहे। तो सेपरेट रहने को हम लोग एपिजोमल फॉर्म बोल रहे हैं, और अगर इंटीग्रेट हो रहा है होस्ट डीएनए के साथ तो उसको सेकेंड इंटीग्रेटेड वाला फॉर्म बोल रहे हैं। तो दो तरीके से हो सकता है। यहां पर हमने देखा एंडोजीनियस पाथवे में के साथ किस तरीके से एमएचसी जो टाइप 1 है उसके साथ किस तरीके से टीसी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम क्या है इसमें। तो पहले तो आपने देख लिया कि एंडोजीनियस पाथवे के जरिए टीसी सेल्स कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से बी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है डीएनए वैक्सीन्स की कि टी सेल्स एज वेल एज बी सेल्स बोथ ऑफ दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड, यानी कि आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी भी एक्टिवेट होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी एक्टिवेटेड होती है। तो देखिए यहाँ पे एक और एम है डीएनए वैक्सीन्स का, ये एम क्या है, ये एम है कि डीएनए प्लाज्मिड जो है किसी तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा भी अपटेक कर लिया जाए। किसके द्वारा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा भी अपटेक कर लिया जाए। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एज डेंड्राइटिक सेल्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स। इसके अलावा आपके जो बी सेल्स होती हैं वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो चीफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो हमारा दूसरा एम क्या है कि अगर जो हमने डीएनए प्लाज्मिड इंसर्ट किया था अगर वो अपटेक कर लिया जाए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा तो क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो मेजर रोल प्ले करेंगी एंटीजेनिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वैक्सीन। क्या होगा, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं इनके ऊपर पाया जाता है एमएचसी क्लास 2, और एमएचसी क्लास 2 क्या करेगा, जाकर के जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है यानी कि टीएच सेल के साथ जाकर के इंटरैक्ट करेगा। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि एमएचसी टाइप 1 टीसी सेल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, वैसे यहां पे एमएचसी टाइप 2 किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, आपके टीएच सेल के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो एपीसीज के ऊपर क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होगा एमएचसी टाइप 2, और ये किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, टीएच सेल के साथ इंटरैक्ट करेगा। और टीएच सेल बेसिकली क्या करता है, इसके बहुत सारे फंक्शन है, आपके बी सेल्स को एक्टिवेट करवा देगा,
साथ ही साथ टीसी सेल्स को भी एक्टिवेट करवाएगा। बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, फिर कभी इसके बारे में फंक्शनैलिटी के बारे में हम बात कर लेंगे। अब इससे क्या हुआ, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि एंटीजेनिक जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत तगड़ा प्रोड्यूस होने लगेगा एपीसीज के द्वारा। अब इस जो डीएनए वैक्सीन्स हैं उनको किस चीज के अगेंस्ट अभी तक यूज किया गया है, तो अगर हम देखें तो इन्फ्लुएंजा, रेबीज, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, मेनली इन्फ्लुएंजा और रेबीज के अगेंस्ट डीएनए वैक्सीन्स को चेक किया गया है। नेक्स्ट आए, तो कई बार जो डीएनए वैक्सीन्स हैं उनके लिए बूस्टर डोज का भी प्रोविजन है, बूस्टर डोजेस भी दी जाती हैं। बूस्टर डोज का मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी में ग्रेजुअली इम्यून रिस्पॉन्स कम होता जाता है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। जब आप बूस्टर डोज देते हैं तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स तेजी से ऊपर बढ़ जाता है, तो उसी का काम, वही काम है बूस्टर डोज। तो अगर हम कहें डीएनए वैक्सीन को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है तो आप कहेंगे यस। और बूस्टर डोज में क्या दिया जाता है, आप एंटीजन का प्रोटीन फॉर्म उठा करके दे सकते हैं, तो प्रोटीन फॉर्म ऑफ द एंटीजन आप दे सकते हैं एज बूस्टर डोज। और दूसरा, आप डीएनए सीक्वेंस इन वेक्टर फॉर्म, जैसे कि आपने पहले दिया था, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है एंटीजेनिक उसको उठा करके दे दीजिए, तो वो भी यही काम करेगा, तो दोनों बूस्टर डोज। लेकिन एक बहुत बड़ी खास है, अगर हम कई बार कई केसेस में देखें तो जो बूस्टर डोज है उसमें सीपीजी डीएनए मोटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जामिनेशन में कि जो सीपीजी डीएनए मोटिव है उसका क्या रोल होता है। बेसिकली ये इम्यून रिस्पॉन्स को एग्रीवेट करता है या इम्यून रिस्पॉन्स को वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, उस डीएनए के साथ जो एंटीजेनिक डीएनए है उसके साथ आपने सीपीजी डीएनए मोटिव दे दिया, सीपीजी मतलब साइटोसिन फॉस्फेट और गुआनिन ये दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा, ये देखा गया। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीएनए वैक्सीन जो है वो इनकोडेड प्रोटीन एक्सप्रेस्ड इन द नेचुरल फॉर्म। अब यहां पे आप क्या कर रहे हैं, जो एंटीजन जिस तरीके का प्रोटीन बनाता होगा, भाई एंटीजन का जीन आप इंसर्ट कर रहे हैं, एंटीजन का डीएनए आप इंसर्ट कर रहे हैं, वो जिस तरीके का प्रोटीन बनाता होगा नेचुरल फॉर्म में, दैट इज बीइंग एक्सप्रेस, वही तो फॉर्म हो रहा है। यानी कि आपने कोई भी डीनेचुरेशन नहीं करवाया, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, तो जो ट्रू सेंस में डीएनए था वही यहां पे आपने आके इंजेक्ट करवा दिया। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ बोथ आर्म्स ऑफ अडैप्टिव इम्यूनिटी। दोनों आर्म्स अडैप्टिव इम्यूनिटी के क्या है, मैंने भी आपको बताया, यहाँ पे बी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। बी सेल्स का मतलब आप क्या कहेंगे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल, ठीक है। और दूसरा यहां पे क्या है, टी सेल्स भी एक्टिवेट होंगे। अब इनको क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक। अब यहां पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी यहां पे देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि अगर बी सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बी सेल्स क्या होते हैं, वो आगे चल करके प्लाज्मिड, जो आपका प्लाज्मा सेल्स हो गए और मेमोरी सेल्स, उन दोनों में डिवाइड होते हैं, तो ऑब्वियसली जो डीएनए वैक्सीन होंगी वो आपकी मेमोरी सेल्स को भी क्रिएट कर देंगी। नेक्स्ट, नो रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड। अब आप जरा सोचिए, आपने डीएनए ही तो इंसर्ट किया है बॉडी में, अब डीएनए तो हमारी बॉडी में भी डीएनए तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही पाया जा रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का रेफ्रिजरेशन करने की हमें जरूरत नहीं है, तो किसी भी तरीके का स्टोरेज का टेंशन हमारे पास नहीं है जब हम डीएनए वैक्सीन को इस्तेमाल करते हैं, अनलाइक अदर वैक्सीन जहां पे हमें स्टोरेज के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है। नेक्स्ट, अब वेक्टर कैन बी कस्टम टेलर्ड अगेन एंड अगेन। अब देखिए, अगर आपने एक बार वेक्टर बना लिया जो कि उस एंटीजेनिक डीएनए को लेकर के आपकी बॉडी के अंदर जाता है, अगर आपने एक बार वेक्टर डिजाइन कर लिया, तो वेक्टर डिजाइन करने के बाद सेम वेक्टर अलग अलग डीएनए वैक्सीन्स को, अलग अलग डीएनए वैक्सीन्स को ले जाने में यूजफुल हो सकता है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस एक बार अगर हमारा वेक्टर बन गया तो वेक्टर को आप कस्टम टेलर कर सकते हैं, अलग अलग वैक्सीन्स के लिए आप उसको थोड़ा थोड़ा उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्ट नाइल वायरस, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला ऐसा वायरस है जिसके अगेंस्ट डीएनए वैक्सीन्स दी गई थी। हालांकि अगर हम कहें तो ह्यूमन बींग्स में अभी डीएनए वैक्सीन्स के ऊपर काम थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट डीएनए वैक्सीन थी जो हॉर्सेस को दी गई थी, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स को भी दी गई थी और बढ़िया टाइटर डेवलप हुआ था अगेंस्ट वेस्ट नाइल वायरस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स पे बहुत कुछ काम हो रहा हो, लेकिन हाँ,
लॉट ऑफ वर्क इज बींग डन ऑन कैंसर। जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में भी आपको बताया था कि कैंसर के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। इन फ्यूचर हम सबसे पहले मुझे लगता है कि हम यही देखेंगे कि जो डीएनए वैक्सीन है उसका यूज कैंसर के लिए काफी ज्यादा किया जाएगा। तो ये हो गया अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दी यहाँ पे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और आप और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।